अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करें कुछ लेआउट के मुतल्लिक, एपेक्स के लेआउट, पेज लेआउट। पहले हम बिल्कुल सिंपल लेआउट बना रहे थे, तो आज ये कुछ लेआउट की एक एग्जांपल है। हम ट्राई करेंगे इस तरह का लेआउट हम बनाएं फ्रॉम स्क्रैच। तो ये कुछ लेआउट है, ये रीजन्स हैं, कुछ बैकग्राउंड्स इसके दिए हुए हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो लुक्स प्रोफेशनली आपको इसमें लुक नज़र आएगी। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड, पहली स्लाइड की तरफ। तो ये एक मैंने नॉर्मल सा आपके सामने एक पेज बना हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं इसको अपने इस लेआउट से चेंज करें। आइटम आईडी रखें आप इसको, राइट। एक रो में तीन कॉलम है, राइट। आइटम डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग कोड और कैटेगरी। आइटम डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चर कोड एंड देन कैटेगरी। आफ्टर दैट ग्रुप आईडी, जीएल कोड, कस्टमर कोड, देन ग्रुप आईडी, जीएल कोड एंड देन कस्टमर कोड। राइट। एंड देन पैकिंग साइज, डिफॉल्ट वेयर हाउस, रैक लोकेशन। पैकिंग साइज एंड देन डिफॉल्ट वेयर हाउस। मैं इसको एक ऑर्डर में करता हूँ और फिर दोबारा वीडियो को रिज्यूम करता हूँ टाइम को सेव करने के लिए, राइट। तो ये कुछ पेज हैं। चलते हैं हम अपने आइटम्स को, सबसे पहले तो आप इनको सेलेक्ट करें और लेआउट में अपीयरेंस में इनकी ऑप्शनल कर दें, राइट। ओके, ये ऑप्शनल हमने कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं आइटम, स्टार्ट न्यू रो, कैटेगरी की स्टार्ट न्यू रो, ठीक है। दिस वन स्टार्ट न्यू रो, ये भी स्टार्ट, एक लाइन पर तीन आइटम। इसको आप स्टार्ट न्यू रो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा डीएक्टिव यहां तक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक नया सब रीजन क्रिएट करें, इसका नाम दे दें फाइनेंशियल, राइट। और ये कुछ आइटम हैं, कहाँ से हम लेने हैं, डीएक्टिव बाद के यूनिट कोड,
this one, taxable cell, excise duty, right? इन सब आइटम को हम ले चलते हैं। अपने इस रीजन में अब रीजन की प्रॉपर्टीज देखें, इसको आप कोलैप्स कर दें, इनकी होती है एक प्रॉपर्टी टोकल इंटरएक्टिव के अपीयरेंस में आए और इसको कोलैप्सेबल कर दें, राइट? और कोलैप्सेबल डिफॉल्ट स्टेट कोलैप्स करते हैं आप इसको, राइट? सेव करें इसको। अब यहाँ पे हमने कैसे बनाया था, दो आइटम, चेकबॉक्स और स्टैटिक वैल्यू वाई, इसको आप डिलीट करें, ओके कर दें। और इसके बाद हमने क्या बनाया था, सेल रेट और परचेज रेट, सेल रेट एंड देन परचेज रेट, टैक्सेबल, चेकबॉक्स और स्टैटिक वैल्यू वाई करें इसे, ओके, एंड देन सेल टैक्स एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट, सेल टैक्स एग्जेम्प्ट, इसे भी आप चेकबॉक्स बना दें, इसकी भी स्टैटिक वैल्यू आप दे दें, यस, ओके कर दें। और एक्साइज ड्यूटी, इसे भी आप चेक बॉक्स बनाएं एंड स्टैटिक वैल्यू वाई, ओके, राइट? अच्छा, अब क्या है, सेल टैक्स, परसेंटेज, एक्साइज ड्यूटी, और ये तीनों को आप एक लाइन में ले लें, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। हम रन करते हैं अपने फॉर्म को, यस, मच बेटर। इसको हम देखते हैं आगे डिज़ाइन कैसे करना है इसको। इसके बाद एक और आप रीजन बनाएं, अधर इन्फो, राइट? अपीयरेंस में कोलैप्सेबल, कोलैप्स, ओके, यहाँ से आप लें इनको और यहाँ तक, इसको आप इस रीजन में ड्रॉप कर दें, राइट? ये कुछ सेटिंग कर लें आप, ठीक है। और बाकी जो ये रह गए हैं हमारे पास, ऐड यूज़र, ऐड हेड, ये दिस वन दिस वन दिस वन, इसको आप हाइड कर दें, यस, लुक मच बेटर। अब ज़रा हम
क्विक एडिट दिस वन, इसका आप एंशर्ड स्टाइल ले लें। ओके राइट, और रिमूव बॉडी पैडिंग, ठीक है, एंड आइटम पैडिंग स्लिम कर दें आप, आइटम विड्थ ठीक है, इसको आप कर दें सेव। राइट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बना है। अब फंक्शनल में आ जाएं, अब देखें कुछ सही नहीं है, इसको ये इसके साथ चेक बॉक्स के साथ वाई आ रहा है, चलो इसको हम देखते हैं अलाउ लूज को। अलाउ लूज एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मसला ये आ रहा है, बेसन सिविल टैक्स एग्जाम्प, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम। अब देखें डिलीट करें, इसको आप वाई करें रिटर्न वैल्यू में, तो मगर फिर भी देखें आपको यहाँ क्लिक करें फिर भी आपको वाई आ रहा है, इसके लिए आप यहाँ कर इसको डिलीट करें और एक स्पेस दे दें, सेल टैक्स परसेंटेज ठीक है, इसको आप सेव करें, दोबारा रन करें, ठीक है जी, ये दोनों तो अपनी जगह पर हैं हमारे, हेलो 1 2 3 राइट, ठीक है। अब क्या रह गया, अब हम कुछ एलओवीज बना लेते हैं, ठीक है, कैटलॉग की इसकी कुछ एलओवीज बना लेते हैं हम लोग, पॉपअप एलओवी एंड यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी, क्यूरी आप लिख लें, राइट ओके, इसे सेव करें, उसके बाद है मैन्युफैक्चरर की दिस वन पॉपअप एलोइज, और आप यहाँ पर आए एसक्यूएल क्यूरी दिस वन, राइट एंड देन आइटम ग्रुप, ओके पॉपअप एलओवी एंड देन एसक्यूएल, ओके जीएल कोड की आप एलओवी लगा लें आप, एक्चुअली ये मेरे डेटाबेस में बनी हुई है कुछ टेबल्स, सिर्फ आपको मुझे ये लेआउट बताना था कि ये लेआउट कैसे बनता है, एसक्यूएल क्यूरी ओके दिस वन राइट, आप यूनिट की भी लगा ही लें, यूनिट कोड पॉपअप वैल्यू एसक्यूएल क्यूरी ओके
यस, अब कुछ बेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई एडिट इसका आप स्टाइल ले लें। राइट, रिमूव बॉडी पैडिंग, आइटम पैडिंग स्लिम एंड ओके कर दें आप इसे। इन दोनों को मैं सेट करता हूँ और फिर दोबारा वीडियो को रिज्यूम करता हूँ टाइम सेव के लिए। इन दोनों की सेटिंग मैंने कर ली है, अभी आप देखें इसको थोड़ा सा हम कर लें, रिमूव बॉडी पैडिंग, राइट, सेव कर दें इसे आप। अब हम क्या करते हैं, इनको साइड बाय साइड ले आते हैं। अब कुछ बेहतर फंक्शनलिटी हमें मिल रही है, राइट। अच्छा, मैं अब इसके कुछ बैकग्राउंड पे काम कर लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड हम कैसे सेट करें। एक्चुअली ये मैंने कुछ CSS लिख के रखी हुई है, बैकग्राउंड इमेज 1, बैकग्राउंड इमेज 2, बैकग्राउंड इमेज 3, राइट। तो हम सबसे पहले इन लाइन में आप CSS लिखेंगे और इस पे जाएं आप। इसकी एक स्टैटिक आईडी होती है, BMG1 कर दें जो हमने वहाँ पे CSS लिखी है। तो ये देखें कुछ बैकग्राउंड इसका ठीक होगा, और इसको आप कर दें BMG1। देखें इसका बैकग्राउंड क्या आता है, यस, कुछ बेहतर है। और इसको आप करते हैं BMG2। यस, तो एक प्रोफेशनल सा आपको लुक नज़र आ रहा है, आपके एलओईज काम कर रही हैं, तो आप इसे, इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो नीचे हम एक ग्रिड आइटम बनाते हैं, राइट। आप यहाँ पर आएं और एक न्यू रीजन बनाएं, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं वैलिड ग्रिड लेता हूँ, राइट। और इसकी टाइप आप कर दें फॉर्म, और आप यहाँ से फीचर आइटम वैलिड, राइट, इसे आप सेव करें। यहाँ पे आप एक दूसरा रीजन बनाएं, क्रिएट रीजन वैलिड कंपनी, और यहाँ से आप इसको फॉर्म नहीं इंटरैक्टिव ग्रिड ले लें, और ट्रेविल आप इसको बता दें आइटम वैलिड, राइट। आप इसको सेव करें, और इसको आप रन कर दें। तो ये हमने वेयर की कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, मगर तकरीबन तकरीबन हमने अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लेकर आते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप वेयर की कंडीशन लगा देंगे तो आपका हो जाएंगे। चलो ये भी हम कर लेते हैं, वेयर
आइटम आई डी इज इक्वल टू P13, आइटम आई डी राइट। तो ये कुछ फंक्शनलिटी है जो आपको नज़र आ रही है। ये आपको कंपनी लोकेशन सब बता रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने अपने इस डिज़ाइन को फॉलो कर लिया है जो बनाया था हमने, ठीक है। उम्मीद है यह मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।